आमतौर पर भोजपुरी सिनेमा में बनने वाली भोजपुरी फिल्मों और गानों पर अश्लीलता के दाग लगते रहे हैं, अश्लीलता के प्रश्न उठते रहे हैं। कई बार गानों और फिल्मों में ऐसे सीन भी आप लोगों को देखने को आसानी से मिल जाएंगे जिन्हें परिवार के साथ बैठकर आप लोग नहीं देख सकते। तो वहीं काफ़ी सारी ऐसी पारिवारिक फिल्में भी बनी हैं जिन्हें लोगों द्वारा इतना पसंद किया गया कि उसके कई सीक्वल्स भी बना दिए गए। इन्हीं में से एक फिल्म है 2 साल पहले बनी मेहंदी लगा के रखना। अनंजय रघुराज और रजनीश मिश्रा ने मिलकर इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, रितु सिंह, अवधेश मिश्रा एक साथ फिल्म में नजर आए थे। फिल्म बेहद पारिवारिक थी, इस कारण दर्शकों को पसंद भी आई। दर्शकों की पसंद को देखते हुए अनंजय रघुराज ने, जो फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया, लेकिन दूसरे पार्ट में खेसारी की जगह अनंजय रघुराज ने प्रदीप पांडे चिंटू को साइन कर लिया। फिल्म सिनेमा पर्दे पर उतनी तो नहीं चल पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस फिल्म और इस फिल्म के गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये फिल्म भी बेहद पारिवारिक थी। दर्शकों की इसी पसंद को देखते हुए अनंजय रघुराज ने इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनाने की घोषणा की है और इस तीसरे पार्ट में फिर से खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी को लाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इस फिल्म की शूटिंग होने वाली है अगले महीने से, ऐसी खबर है। और इस फिल्म के तीसरे पार्ट में भी वही सारे कलाकार नजर आएंगे जो पहले पार्ट में नजर आए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे पार्ट में कौन सी कहानी के जरिए उन्हीं कलाकारों को दोबारा पेश करते हैं अनंजय रघुराज और दर्शकों द्वारा ये तीसरा पार्ट कितना पसंद किया जाएगा। सन्मार्ग लाइव डेस्क की रिपोर्ट।